Good morning, class. So again, I'm back with my online series classes of computer. Hope you are doing well in this situation. So yesterday we have completed our lesson one. So we'll go through the lesson two. I will explain you what are the things that you have to learn properly, and after that we'll complete our exercises and so on. So we'll start with the chapter that is more on Windows 7. So more on Windows 7, that means more means ज़्यादा on मतलब किसके ऊपर करना है on Windows 7. So Windows 7 is what? It is an operating system. Operating system क्या होता है? Operating system is a system software. What? It is a system software जो कि क्या करता है, जो manage करता है, जो manage करता है हमारे Windows 7 जो होता है हमारा, it is an operating system. Windows 7 क्या है हमारा? It is an operating system जो कि manage करता है हमारे computer hardware को, software को, और जो other resources होते हैं उनको provide करता है common services for computer program. ठीक है, तो इसका कहने का मतलब क्या है? ये एक system software होता है जो कि manage करता है हमारे hardware को, software को, और जो other resources जो होते हैं उनको common services provide करता है. Now what is hardware? So हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर इज अ फिजिकल डिवाइस. फॉर एग्जाम्पल आपका माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, दैट इज हार्डवेयर. एंड वॉट इज सॉफ्टवेयर? इट इज द कलेक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग कोड्स. सॉफ्टवेयर में आपका फेसबुक, ईमेल, व्हाट्सएप, एनीथिंग, ठीक है, ये सब क्या है? आपके सॉफ्टवेयर है. Now it is written that Windows has many utility programs from day-to-day application entertainment. These additional programs are known as accessories. So Windows के पास क्या होती है? काफी utility programs होती हैं हमारे day-to-day application, मतलब हमारे जो day-to-day life में जो भी applications और entertainment के माध्यम होते हैं, ठीक है, entertainments होते हैं, उनके लिए उनके पास काफी utility programs होती हैं. और ये जो additional programs होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? Accessories बोलते हैं. इसमें क्या क्या आते हैं यहाँ पे accessories? जैसे कि कैलकुलेटर, नोटपैड, विंडो मीडिया प्लेयर, साउंड रिकॉर्डर, स्निपिंग टूल. ओके, नाउ विंडो मीडिया प्लेयर क्या होता है? यू नो वेरी वेल अबाउट दिस मीडिया प्लेयर बिकॉज यू ऑलरेडी एक्सेस द फोन. सो यू हैव ऑलरेडी सीन दैट देयर इज अ मीडिया प्लेयर. इन मीडिया प्लेयर व्हाट यू एक्सेस? आप क्या देखते हो कि उसमें आप दो तरह की फाइल्स को यूज कर सकते हो. दो तरह फाइल को आप यूज कर सकते हो, दैट इज फर्स्ट वन इज ऑडियो एंड सेकेंड वन इज वीडियो. सो विंडो मीडिया प्लेयर रन एंड ऑर्गेनाइज डिजिटल मीडिया फाइल्स बोथ ऑडियो एंड वीडियो अवेलेबल इन कंप्यूटर मेमोरी. सो व्हाट इट डज, ये क्या करता है? रन करता है एंड ऑर्गेनाइज करता है हमारे डिजिटल मीडिया फाइल्स को जो भी ऑडियो और वीडियो में होते हैं. वी कैन लिसन रेडियो स्टेशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड इफ इंटरनेट कनेक्शन इज अवेलेबल. दिस सॉफ्टवेयर अलाउ अस टू प्ले, कॉपी, क्रिएट सीडीज, डीवीडीज एंड कॉपी म्यूजिक एंड वीडियो टू पोर्टेबल डिवाइसेस. What happened? We can listen to any radio station all over the world if we are having the internet connection available to us. What it is saying that कि अगर आपके पास internet connection available है तो आप world की किसी भी radio station को आराम से सुन सकते हो. और ये जो window media player होता है ये हमें allow करता है कि हम play करें, copy करें, create करें CDs and DVDs and copy music and video to portable devices. आपने देखा होगा कि पहले आपके यहाँ पे CDs और DVDs में आपके पहले मूवीज आती थी, लोग सॉन्ग सुनते थे, तो उसमें वो लोग क्या करते थे? वो सॉन्ग को क्या करते थे? कॉपी कटवा लेते थे पर्टिकुलर सीडी में या ड्राइव में, ठीक है, या फिर अपने पोर्टेबल डिवाइसेज, जैसे कि हमारा मोबाइल फोन इज अ पोर्टेबल डिवाइसेज. ओके, कमांडर्स पोर्टेबल डिवाइस. नाउ रिप, RIP रिप, rip copy CD to your computer. We can copy songs from our favorite music, CDs, DVDs onto our computer with window media player. What happened? हम कैसे copy कर सकते हैं? As you have already read here that it allow us to play, copy, create CDs. So it allow us copy. So हम क्या कर सकते हैं? We can copy songs from our favorite music, CDs and DVDs onto our computer with window media player. हम किसके through copy करेंगे? Window media player के through. ठीक है, when we rip music we are copying songs from CD to computer. When we rip, that is RIP rip music, then we what we do is we copy the song from CD to computer.
वी कैन कॉपी इट फ्रॉम सीडी टू कंप्यूटर. आफ्टर द सॉन्ग्स हैव बीन कॉपीड टू आवर कंप्यूटर, जब हमारे सॉन्ग्स कॉपी हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, वी कैन यूज विंडो मीडिया प्लेयर टू प्ले एंड ऑर्गेनाइज द सॉन्ग. तो हम क्या करेंगे, जैसे कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, उन सॉन्ग्स को हम अपने विंडो मीडिया प्लेयर में प्ले कर सकते हैं और वो ऑर्गेनाइज कर देगा हमारे सॉन्ग्स को, क्रिएट कर देगा हमारी अलग से एक प्लेलिस्ट एंड कॉपी म्यूजिक टू पोर्टेबल डिवाइसेस. तो इसके बाद वो ऑर्गेनाइज करेगा. आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हैं प्लेलिस्ट. ठीक है, आपकी जो भी फेवरेट, आपके पास थाउजेंड ऑफ कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स है, लेकिन आपकी जो फेवरेट होंगे वो तो कुछ ही होंगे, तो आप उनकी एक अलग से प्लेलिस्ट बना सकते हो एंड कॉपी म्यूजिक टू पोर्टेबल. और फिर हम जब अगर हमारा मन है तो अपने पोर्टेबल डिवाइसेस दैट इज मोबाइल फोन टैबलेट, ठीक है, आप उसमें क्या कर सकते हो, इन्हें भी कॉपी कर सकते हो. सो हाउ यू हैव टू डू दैट, यू हैव टू फर्स्ट क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, सेलेक्ट ऑल प्रोग्राम्स एंड देन चूज विंडो मीडिया प्लेयर. जो आपको स्टार्टिंग में स्टार्ट बटन दिखता है आपके फर्स्ट जो आपका पहला जो डेस्कटॉप पे पिक्चर आता है उस पर स्टार्ट बटन दिखता है, वहां से आप ऑल प्रोग्राम्स को सिलेक्ट करोगे एंड देन चूज करोगे विंडो मीडिया प्लेयर फ्रॉम द लिस्ट. देन क्या है, आप इंसर्ट करोगे ऑडियो सीडी इन द सीडी ड्राइव. यू विल सी द लिस्ट ऑफ सॉन्ग स्टोर्स ऑन द सीडी इन द, जैसे ही आप इंसर्ट करोगे ऑडियो सीडी और सीडी ड्राइव में, तो आपको क्या दिखेगा, ढेर सारे लिस्ट ऑफ सॉन्ग स्टोर्ड होंगे उस पर्टिकुलर सीडी में इन विंडो मीडिया प्लेयर. यू विल क्लियर द चेक बॉक्सेज नेक्स्ट टू एनी सॉन्ग्स दैट यू डू नॉट वॉन्ट टू रिप. यू कैन यूज द चेक बॉक्स एट द टॉप ऑफ द लिस्ट टू सेलेक्ट ऑल चेक बॉक्सेज एट वन. सो वट इट इज सेइंग दैट कि आप क्या कर सकते हो, आपके पास देखो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे, अगर जो देखो यहाँ पे चेक बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं अलग अलग, तो आपको इसमें से जो भी अनसेलेक्ट करना होगा, आपको कुछ ऐसा होगा जो सॉन्ग आपको नहीं अच्छे लग रहे हैं, आप वहां से इसको क्या करोगे, अनसेलेक्ट कर लोगे, मतलब उसे आप टिक से हटा दोगे. तो आप क्या कर सकते हो, आप उसके अकॉर्डिंग उन चेक बॉक्सेस को यूज कर सकते हो अपने लिस्ट में से, ताकि या तो आप सेलेक्ट कर लो या फिर चेक कर लो ऑल द बॉक्सेज एट वंस, मतलब या तो आप एक ही बार में उसको चेक कर लो या फिर उसको क्लियर कर दो या सेलेक्ट कर लो. ठीक है, सो When you are done with the process, click on the rip CD button. जब आप सेलेक्शन प्रोसेस कर लोगे तो आप क्या करोगे, रिप सीडी बटन, आप क्या करोगे, रिप सीडी बटन पे क्लिक कर दोगे. द रिपिंग प्रोसेस विल स्टार्ट एंड यू कैन सी द रिप स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल. जैसे ही आप रिपिंग प्रोसेस रिप सीडी बटन पे क्लिक करोगे तो आपको हर एक रिपिंग प्रोसेस जो रिपिंग प्रोसेस होगा वो स्टार्ट हो जाएगा और आपको हर एक इंडिविजुअल सॉन्ग का रिप स्टेटस आपको दिखाई देगा. टू स्टॉप, अब भी मान लीजिए आपको कोई ऐसी कंडीशन आती है कि यू हैव टू स्टॉप, कोई ऐसा सॉन्ग सेलेक्ट हो गया जो आपको नहीं चाहिए था, यू कैन स्टॉप इट एट दैट टाइम एट एनी पॉइंट. क्लिक ऑन दी बाय क्लिकिंग ऑन दी स्टॉप रिप बटन, क्लिक ऑन द रिप सेटिंग बटन टू चेंज द फॉर्मेट. इफ यू वॉन्ट टू चेंज द फॉर्मेट ऑफ ऑडियो क्वालिटी ऑफ द रिप्ड म्यूजिक फाइल्स, और यू कैन कीप द डिफॉल्ट विंडो मीडिया प्लेयर फॉर्मेट सेटिंग. या तो आप उसमें अगर कुछ चेंजेस करना चाहते हो अगर रिप सेटिंग में, कि आपको क्वालिटी चेंज करनी है ऑडियो की या कोई भी फॉर्मेट चेंज करना है, तो आप क्या करोगे, रिप सेटिंग्स में जाओगे. अदरवाइज जो आपका डिफॉल्ट होता है, बाय डिफॉल्ट जो आपकी विंडो मीडिया प्लेयर फॉर्मेट सेटिंग होती है, आप उसको रहने दोगे एज इट इज. फिर है द सॉन्ग्स आर रिप टू द विंडो मीडिया प्लेयर लाइब्रेरी. और फिर क्या होगा उसके, जब आप सब कुछ कर लोगे तो वो सॉन्ग की जगह वो आपकी रिप हो जाएगी विंडो मीडिया प्लेयर में. After the songs have been ripped, go to the library to play them. जब song rip हो जाएंगे then आप क्या करोगे, library में जाओगे और उनको play करोगे. Now tip is what, you can also burn a CD using software like Nero, Express and Burn etc. So these are the software through which you can burn your CD. Okay? Now what is it? Copying data to CD and burning a CD. Saving important information on CD and DVD is easy as saving on a hard disk. You can create your own CD DVDs by selecting a folder of software or media files and dragging it to CD DVD icon in computer folder. So what it is saying, you can save information on CD DVD as well, isn't easy as saving on hard disk. अभी आप क्या करते हो, पेन ड्राइव में सेव करते हो. पहले क्या था, सीडी और डीवीडीज में लोग अपनी इन्फॉर्मेशन को क्या करते थे, सेव करते थे रेदर देन हार्ड डिस्क. आप क्या कर सकते हो, आप क्रिएट कर सकते हो अपनी खुद की सीडीज एंड डीवीडीज बाय सेलेक्टिंग अ फोल्डर ऑफ सॉफ्टवेयर और मीडिया फाइल्स. क्या कर सकते हो, आप अपनी खुद की कौन सी डी क्रिएट कर सकते हो, आप कैसे करोगे, आपको जो भी फोल्डर सेलेक्ट करना होगा अपनी मीडिया फाइल से, आप उसको ड्रैग करोगे और उसे वहां पे लाके पेस्ट कर दोगे सीडी डीवीडी आइकन इन कंप्यूटर फोल्डर. इसमें क्या करोगे, ड्रैगिंग इट, इस पर्टिकुलर आइकन जो कंप्यूटर फोल्डर में होता है उसमें.
insert a CD to into your computer. The auto play dialog box appear. जैसे ही आप CD को insert करोगे तो एक auto play dialog box appear होगा. Click on the burn file to disk using window explorer option. So you will burn files using window explorer option. Window explorer मतलब internet का जो होता है वो वाला. The burn a disk dialog box appear. Then a burn a disk dialog box will appear. Burn a disk dialog box, you can see it here. See, I think it is visible now. Yes. So this is a type of dialog box will appear and mention the CD name in disk title box. So you have to mention the CD name, that is text box, and click on the next. आप अपना text वहाँ पे मतलब जो भी आपका title होगा आपने जिसमें नाम से CD रखना है आप वहाँ पे उसको particular उस नाम से दे दोगे and फिर next process आप पे next जो option होगा उस पर click करोगे. An empty disk folder opens. जब आपको क्या एक एम्प्टी मतलब एक खाली डिस्क फोल्डर ओपन हो जाएगा, यू हैव टू ड्रैग द फाइल दैट यू वांट टू बर्न इन दिस फोल्डर. तो आपको उस पर्टिकुलर फाइल को क्या करना पड़ेगा, ड्रैग करके लाके ड्रॉप करना पड़ेगा ताकि आप उसको क्या कर सको, बर्न कर सको फोल्डर में. ऑन द टूल बार क्लिक ऑन द बर्न टू डिस्क बटन एंड देन फॉलो द स्टेप्स इन द विजार्ड. तो व्हाट यू हैव टू डू, जो भी टूल बार में आपको क्या दिखेगा, यू हैव टू क्लिक ऑन बर्न टू डिस्क बटन एंड देन फॉलो द स्टेप्स इन द विजार्ड. ठीक है, तो आपको इसको फॉलो करना है. सो हियर वी हैव डन विद कॉपिंग डेटा टू सीडी. So this is the live demo of that how you can copy CD to your computer. So first we are inserting CD here and after that we will try to find it out the window media player on our desktop. So here we are seeing that where is the window media player by searching in the search box. So window media player, here you can see that window media player is there. Yes, you are able to see that. Now we will open it. So here whatever CD is having the data that is displaying here in window media player. So window media player mein bahut sari aapke tracks hai, so you can see it there. Yahan pe check boxes aapko dikh rahe hain, any check boxes ko aap kya karoge, select karoge ya fir deselect karoge jo aapko nahi pasand hogi. And there is option of rip CD. Rip CD hi is option jahan pe aap rip karoge apne CD ko. Agar aap is pe click karte ho to aapki jo ripping hai that will be started. So here you can see that the ripping of the CD. Now so all the whatever the data will be there that will be displayed after ripping it. So now this is the live video of how you can go through this of displaying two windows at a time. Two windows at a time, that means how you can display two applications window side by side. So here you can see that if you follow the steps which I have already told you in the explanation of the chapter. So if you will follow these steps then only you will able to display two windows at a time. So hope you will enjoy this video, kindly go through it. Thank you. Have a nice day.